ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल ज्योतिष मार्ग में। दोस्तों धनतेरस दिवाली के दिन इसे लाना ना भूलना, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। जय दोस्तों माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियों का हो जाएगा अंत और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होंगी सदैव खुशियां खुशियां और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार और माँ लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद। जय दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको धनतेरस दिवाली के दिन लाने वाली उस एक खास चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप धनतेरस से दिवाली के दिन अपने घर ले आते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है, इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन धान में वृद्धि करती हैं। जय दोस्तों वह एक ऐसी कौन सी खास चीज है जो कि आपको धनतेरस दिवाली के दिन घर जरूर लाना चाहिए, यूं कहें कि इसे लाना तो बिल्कुल ना भूलें आप, इस वीडियो में वही बताएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाले हैं जो कि आपको शायद ही किसी ने दी हो या शायद ही आपने किसी चैनल पर देखी हो, बहुत विशेष और खास जानकारी है, जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। दोस्तों धनतेरस और दिवाली का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन भक्त मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं और आपको बता दें मां लक्ष्मी धनतेरस दिवाली के दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। यदि भक्त सच्चे मन से श्रद्धा भाव से मां लक्ष्मी के उपाय कर लेता है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है तो मां लक्ष्मी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं और मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं। साक्षात मां लक्ष्मी उनके घर में आ जाती हैं, घर में धन सुख संपत्ति का वास होता है। जय दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वनस्पति शास्त्र से जुड़े कुछ ऐसे खास उपाय बताने वाले हैं, कुछ ऐसी खास जड़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको धनतेरस से दिवाली के दिन जरूर घर लेकर आनी है। ये इस पौधे की जड़ आपके घर के आसपास ही मौजूद है, बस आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि इसका किस प्रकार प्रयोग करना है, किस प्रकार इनका उपाय करना है। तो दोस्तों आपको सब प्रथम बता दें कि धनतेरस या दिवाली के दिन आपको केले के पेड़ की जड़ जरूर लेकर आनी है। ध्यान रखें केले के पेड़ की जड़ आपको लानी है, लानी किस प्रकार है। या दोस्तों इस वीडियो में आपको तीन पेड़ों की जड़ के बारे में बताएंगे, तीन पौधे ऐसे बताएंगे जिनकी आपको जड़ लेकर आते हैं विधि विधान से तो विशेष लाभ होगा। किस प्रकार विधि के अनुसार लानी है, कैसे इनको जागृत करना है, कैसे इनको आपको जागृत करके पूजा पाठ इनकी करनी है और किस प्रकार इनका उपाय लाकर इनको प्रयोग में लाना है। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें आता है केले के पेड़ की जड़। जब दोस्तों सब प्रथम आप धनतेरस दिवाली के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको केले के पेड़ के पास जाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, जिस भी उपाय की कामना के लिए आप आए हैं वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो। इसके बाद स्पर्श करते हुए आपको केले के पेड़ की जड़ थोड़ी सी जड़ ले लेनी है। जड़ लाने के बाद ध्यान रखें जड़ लाएं तो जड़ लाने के बाद उसको पीले कपड़े में वहीं रख लें, छिपा कर लानी है, पीले कपड़े में रखकर आपको जड़ लानी है। घर ले आए इसको आप गंगा जल से शुद्ध कर लें, गंगा जल से शुद्ध थोड़े छींटे मार लें, पीले कपड़े के ऊपर ही रखा रहे थोड़े गंगा जल की छींटे मार लें। फिर आप हल्दी का टीका करें, 21 चावल के साबुत दाने रखें और एक रुपए का सिक्का रख लें। इसके बाद इसमें आपको 7 गांठें मार देनी है। 7 गांठ मारने के बाद आपको मंत्र का इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनना, लक्ष्मी नारायण नमः। दोस्तों मंत्र है लक्ष्मी नारायण नमः।
गांठ मान लिया आपने, फिर मंत्र का आप अपनी हथेली पर इसको रख लेना है, हाथ पर रख लें आप अपने। लक्ष्मी नारायण नमः, एक फूंक आपको इस पे मार देनी है, फिर दोबारा मंत्र बोलना है लक्ष्मी नारायण नमः, फिर फूंक मार दें इस पर। इस प्रकार 21 बार आपको मंत्र मारना है, 21 बार ही फूंक मारते हुए मंत्र आपको मार देना है। इसके बाद आप इसको, इस पोटली जब ये तैयार हो जाएगी, इस पोटली को आप या तो अपने आप किचन में रख देते हैं, किचन में रखें तो उत्तर या फिर पूर्व कोने में रखें, या फिर जहां धन रखा रहता है वहां रखें, या फिर जहां अपना आपका घर का पूजा स्थान है वहीं रखा रहने दें इसको, वहीं रखा रहने दोस्तों। आपको चमत्कारिक रूप से फायदे मिलेंगे, घर में अन्न धन के भंडार बने रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी यदि आप धनतेरस से दिवाली के दिन इस जड़ को लाकर इस प्रकार इसका उपाय करते हैं तो। विशेष लाभ होगा, मां लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, बहुत अच्छा उपाय है, जरूर करें इसको। दोस्तों इसमें जो अगला आता है वह है कमल के जड़, कमल के फूल की जड़ आपको लेकर आनी है, क्योंकि आपको बता दें धनतेरस दिवाली के दिन जो कमल के जो फूल की जड़ होती है बहुत ही जागृत अवस्था में होती है। इस दिन साक्षात मां लक्ष्मी का वास इस दिन इनमें माना गया है, मां लक्ष्मी वास करती हैं, और इस दिन यदि आप इस उपाय को कर लें तो आपके घर में धन्यदान के भंडार भरे रहेंगे। किस प्रकार करना है दोस्तों, यह जो उपाय करें इसको आप सूर्योदय के समय करें, धनतेरस से दिवाली के दिन, मतलब जो भी उपाय आपको करने हैं सूर्योदय के समय ही करने, सूर्य अस्त के समय कोई उपाय नहीं करना है, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद करने। पहला उपाय जो केले के पेड़ की जड़ का बताया वह भी और यह भी। किस प्रकार करें, सब प्रथम आप कमल के जो फूल की जड़ होती है जिसे हम कमल ककड़ी के नाम से भी जानते हैं, मार्केट में तो मिल ही जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको कहीं मिल जाए जड़, क्योंकि देखा कीचड़ में ही फूल खिलता है कमल का, तो दोस्तों अगर आपको यह मिल जाए फूल लगा हुआ है उसमें से थोड़ी जल ले आए तो विशेष लाभ होगा, नहीं तो आप मार्केट में जो मिल जाती है उसको भी यूज कर सकते हैं। किस प्रकार करें, जड़ आप लाएं, जड़ लाने के बाद सब प्रथम तो आप उसको धो लें, धोने के बाद मतलब साफ जल से धो लें, फिर अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें, इसके बाद गंगा जल की कुछ छींटे मारें, और इसके बाद आप क्या करें, दो कमलगट्टे के बीज लेने हैं आपको, उस पर हल्दी से स्पर्श करा लें, हल्दी का थोड़ा टीका लगा लें दोनों के ऊपर, और दो सुपारी लेनी है, दो सुपारियों के ऊपर आपको सिंदूर से टीका लगाना है, और 1 रुपए का सिक्का। इन चीजों को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान पर ही रख दें, और ध्यान रखें जिस दिन आप इसको लाएं, जैसे कि अगर धनतेरस के दिन लाते हैं तो उससे 21 दिन बाद यानी आपको 22वें दिन, यदि दिवाली के दिन लाएं तो उसके 21 दिन बाद यानी 22वें दिन लाकर आपको, मतलब कि धनतेरस से दिवाली के दिन तो ये उपाय करके रख देना है पूजा स्थान पर, और 21 दिन बाद आप, मतलब 21 दिन बाद जो 22वां दिन पड़े उस दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है इसको, आपको पोटली को जो बनाई है आपने, और उस मंत्र का आपको जाप करना है। जब ये आप प्रवाहित करें इस मंत्र का जाप करें, ओम लक्ष्मी नमः 11 बार इसका मंत्र का जाप करें दोस्तों, आपके जीवन से जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वे उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, घर में धन्य धान के भंडार भरे रहेंगे आपके, किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या परेशान कर रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, विशेष लाभ होगा, जरूर करें इसको आप जिस प्रकार बताया है दोस्तों। इसमें जो आखिरी जो जड़ आती है वह है तुलसी के पौधे की जड़ दोस्तों, यह तो सबके, तुलसी तो सबके घर में मौजूद ही रहती है, लगी रहती है घर में ना, मतलब घर में तुलसी जो लगी है उसे छोड़कर यदि आप तुलसी की जड़ आसपास के किसी मंदिर से ले आते हैं, मंदिर में तुलसी आपको जरूर मिल जाएगी, अगर तुलसी नहीं मंदिर में मिल पाती है तो फिर आप घर से भी ले सकते हैं इस जड़ को, लेकिन सब प्रथम आपको मंदिर से ही कोशिश करें, मंदिर से ही लाएं,
मंदिर से आपको जड़ लेकर आनी है और मंदिर में जैसे आप प्रवेश करते हैं उस द्वार पर आपको स्पर्श कराकर इसको लानी है। अंदर गए, जड़ लिया है, थोड़ी सी जड़ आपको लेकर आनी है और स्पर्श कराने के बाद जो मुख्य द्वार होता है मंदिर का वहां से स्पर्श करा के अपने घर ले आए इसको। घर लाने के बाद इस जड़ को साफ जल से धो लें, कुछ गंगा जल की छींटे मार लें और अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें और 21 लौंग लेनी है, 21 गेहूं के आपको दाने लेने हैं और एक का सिक्का आपको लेना है और इन सभी को आपको लाल कपड़े में बांधकर ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः इस मंत्र का, मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और 21 बार मंत्र का जाप करके अपनी मनोकामना कहते हुए इसको आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखे आना है धनतेरस दिवाली के दिन और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें आपकी आर्थिक स्थिति सही हो, मतलब आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिले, आपके घर में धन धान के भंडार भरे, मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएं। जय दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास है होता है, ये तो आप मानते ही हो और यदि आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जैसा हमने बताया इसको तुलसी की जड़ को रखा था इस विधि के अनुसार, तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, घर में दुख दर्द संकट सभी से छुटकारा मिल जाएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। जय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको धनतेरस दिवाली के दिन 3 महत्वपूर्ण जड़ों के बारे में बताया, इस विधि के अनुसार लाएं, इस प्रकार इनका उपाय करें, मन में विश्वास श्रद्धा रखते हुए करें, विशेष लाभों का फायदा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।